आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। सामाजिक समस्याओं पर बनने वाली फिल्मों का दौर जोरों पर है और इसी कड़ी में एक और फिल्म का नाम जुड़ने जा रहा है जिसका नाम है अर्जुन सिंह आईपीएस। जीत अर्जुन की होगी। ये फिल्म पुलिस वालों के जीवन पर आधारित है जिसमें एक पुलिस वाला करप्ट मंत्री से सीधे टकरा जाता है और अपने नैतिक मूल्यों से कतई भी समझौता नहीं करता। एक लड़की एफआईआर लिखवाने आई है। तो लिखो ना। एफआईआर मंत्री जी के खिलाफ है साहब। अगर हम पीछे पड़ जाएं ना तो आगे निकलना बहुत मुश्किल है सर। प्रोड्यूसर लक्ष्मी नारायण का कहना है कि उन्होंने वास्तविकता को बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश की है, पुलिस वालों की जिंदगी से जनता का सरोकार करने की कोशिश की है। फिल्म के प्रोड्यूसर लक्ष्मी नारायण पांडे पूर्व में उत्तर प्रदेश के विधायक रह चुके हैं और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। रूथलेस करप्ट सीएम का कैरेक्टर कर रहा हूं। बहुत ही चालाक, धूर्त, तिकड़मी, बदमाश, चालबाज, जितने भी ऐब एक व्यक्ति में हो सकते हैं वो ऐब आप इसमें देखें इस कैरेक्टर में देखेंगे। ये हर तरह के गलत काम में लिप्त है। ऐसे कई पॉलिटिशियंस देखे गए हैं जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं। आपने अखबार में सुने भी होंगे, रेप भी करते हैं, फिर गवाहों को मरवा भी देते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, वो उसी का ही रिफ्लेक्शन आप इस फिल्म में देखेंगे। हमारे संवाददाता अथर्व रस्तोगी ने इस फिल्म में नेता की भूमिका निभा रहे और बॉलीवुड के जाने माने कलाकार गोविंद नामदेव और फिल्म के डायरेक्टर अरशद खान से खास बातचीत की। आपने जो भूमिका निभाई है कैबिनेट मंत्री की, जो भ्रष्टाचारी है, जो लड़कीबाज है, हाँ। दुनिया के सारे ऐप है जी जी। इस भूमिका के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। अंत ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति का अंत यही होता है कि या तो वो मार दिया जाता है या सरेआम उनको बेइज्जत किया जाता है। सो ऐसे जीवन का क्या फायदा जहां आपको लोग थू थू करके, आपकी निंदा करके आपको मार दें। उत्तर प्रदेश से राजनीति की शुरुआत होती है कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का हम माना जाता है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभाना कितना मुश्किल था? आज चूंकि इतने सालों से करता रहा हूँ तो मुश्किल तो कुछ ऐसा रहा नहीं। बाकी यह है कि हर कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर मैं करता हूँ उसकी एक तैयारी होती है, उसका एक रिसर्च वर्क होता है। वो बोलेगा कैसे, उसका बोलने का ढंग क्या होगा, उसका बोलने का सुर क्या होगा, उसकी चाल कैसी होगी, उसके जेस्चर्स कैसे होंगे, वो किस तरह से उसका स्टांस क्या होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। इस पर भी काम किया है। इसमें आपको बोलने का अंदाज आपको और कैरेक्टर से अलग लगेगा। इसमें एक हंसने का ढंग मैंने डाला है, वो हंसी पूरे फिल्म में आपको सुनाई देती रही। एक इस मूवी का एक डायलॉग है जो आपका है, बड़ा फेमस हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है, क्या कहना वो डायलॉग जरा बोल पाएंगे? दोस्ती करना सीखो भाई, अगर हम पीछे पड़ जाए ना तो आगे निकलना बहुत मुश्किल है। अर्शद जी, एक नई पृष्ठभूमि पे पिक्चर तैयार हुई है जी, क्यों ये मूवी लोग देखने जाए, इस मूवी के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, बताएं जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं यह बताऊं आपको कि लोग, आपने पहला सवाल किया कि लोग देखें क्यों, लोग एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए देखें। प्रियांशु चटर्जी, रायलक्ष्मी, विजय राज, गोविंद नामदेव, एहसान खान, दीपराज राणा, ज्ञान प्रकाश, देर आर बंच ऑफ एक्टर्स, गुड एक्टर्स, आई मीन एनएसडी की काफ़ी सारी एक बड़ी टीम, 40-45 एक्टरों, तो अच्छे कैरेक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए फिल्म देखें। फिल्म अच्छे स्क्रीन प्ले के लिए, स्टोरी डायलॉग्स के लिए देखें, जो फिल्म ऑथेंटिक लगती है आपको। दूसरी चीज़, मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए सर, क्या जो एक पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे यहाँ का चल रहा है, इसमें जो लोग करप्ट पॉलिटिशियन की जो मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी होती है, उनसे जो लोग ग्रस्त हैं, उनकी प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे हैं, उनको उनमें ही एक है जो एक फैमिली की लड़की कैसे गायब हो जाती है, फिर उसको कैसे इंट्रोगेट करने के लिए एक ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से एक आईपीएस ऑफिसर जो है वो रिप्यूट किया जाता है। अब उसमें जब हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के साथ में, उनके नेक्सस को कौन तोड़ेगा? यानी अगर आप देखें तो जो प्रोटैगनिस्ट है ऑफिसर अर्जुन सिंह आईपीएस, तो अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो हर आदमी, इंसान, हर इंसान के अंदर एक अर्जुन है,
क्योंकि उसकी जिंदगी का कुरुक्षेत्र जो है, उसकी जिंदगी की जो लड़ाई है, वो सबकी अलग अलग है। पर हर आदमी किसी न किसी मुद्दे से, किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कुरुक्षेत्र कितना भी बड़ा हो, जीत अर्जुन की होगी, हर उस आदमी की होगी जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। यही फिल्म का एक मैसेज है। ये मुझे लगता है ये हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाली फिल्म है, बाप को, बेटी को, दादा को और युवाओं को। युवाओं को अगर आप देखें तो इसमें युवाओं के लिए जो इंस्पिरेशन है वो ये है कि अगर सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो हमारी चीज, जो मान्यताएं 1600 यानी अगर आप देखा जाए तो इतने सालों से जो चली आ रही है, जो कोट्स हैं हमारे, जो फ्रेजेस हैं, जो किताबों में बंद हो गए हैं, यानी लाइफ जो है मोबाइल पे ही चल रही है युवाओं की मैक्सिमम अगर आप देखें, तो इस तरह के जो मैसेजेस हैं, जो थॉट हैं कि भाई सिर्फ अपने आप में अगर एक लाइन ही अगर आप फॉलो कर लें तो एक एक लाइन के ऊपर जो थेसिस लिखी जाती है वो फिल्म में, सिर्फ इतना ही कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, सिर्फ इतना ही आपको मोटिवेट कर देगा कि आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। तो मुझे लगता है युवाओं के लिए एक ऑथेंटिसिटी, एक ऑथेंटिक फिल्म, एक रियलिस्टिक फिल्म कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी, अगर सिस्टम करप्ट है, कुछ करप्ट लोग भी हैं सिस्टम में, तो उनसे फाइट करके जो है उनको टेक ओवर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि हर पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन है।